प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं सिंह राशि वालों के लिए इस सितंबर महीने में पूरा महीना कैसा रहेगा। हम आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि इस महीने में मुख्य कौन से व्रत अथवा त्यौहार आएंगे, फिर उसके बाद ग्रहों की स्थिति और कौन सी तारीखें आपके लिए इस महीने में अनुकूल होंगी। इस महीने में 9 सितंबर को हरितालिका का व्रत, 11 सितंबर को ऋषि पंचमी, 13 सितंबर को श्री महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ और 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 21 सितंबर को पितृपक्ष श्राद्ध प्रारंभ होगा। अब हम आपको बताते हैं सिंह राशि में ग्रहों की स्थिति। सिंह राशि के मालिक सूर्य इस महीने आपके लग्न पर ही विराजमान रहेंगे, जो कि मान प्रतिष्ठा आपको देंगे, सच्चाई का साथ देने की हिम्मत देंगे और आपको राजकीय क्षेत्रों से सफलता मिल सकता है। अगर आप इस महीने कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यवसाय करें उसमें उन्नति होगी, और कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, अगर सेना पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छा है आपके लिए। इस महीने द्वितीय स्थान पर मंगल के साथ बुध धन की वृद्धि कराएंगे, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतना चाहिए, घर में चोरी होने की भी संभावनाएं बन सकती हैं, थोड़ा सतर्क रहें। धन की वृद्धि होगी, कुटुंब की वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा, बैंक बैलेंस बनेगा। तृतीय स्थान में मित्रों से लाभ, इस महीने में विपरीत लिंग के प्रति विशेष प्रेम बन सकता है और सफलता मिलेगी, पत्नी से लाभ होगा। शनि स्वगृही है, सत्र पर विजय, मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो सफलता मिलने की संभावनाएं, और विदेश यात्रा अगर आप जाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी आपको। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, अचानक आपकी वृद्धि होगी और राजनेताओं से या बड़े बड़े लोगों से आपका संबंध बन सकता है। इस महीने बहुत अच्छा योग है, अच्छी सफलता मिलेगी। राहु की पांचवी दृष्टि आपके कुटुंब पर है, धन कुटुंब की वृद्धि होगी, लेकिन आपस में किसी से कुटुंब में लेकर कहा सुनी या तालमेल खराब हो सकता है। इस महीने शनि आपके खष्टम में, जो कि सत्र पर विजय, लेकिन उनकी तीसरी दृष्टि आपके अष्टम पर है, जो आलस उत्पन्न कर सकती है आपको। सातवीं दृष्टि खर्च पर है, निरर्थक खर्च का सामना भी करना पड़ सकता है। दसवीं दृष्टि आपके तृतीय पर है, मित्रों के सहयोग से या भाई से लाभ आपको मिल सकता है। इस महीने मंगल की चौथी दृष्टि पंचम पर है, संतान की उन्नति होगी, पेट का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, संतान के प्रति आप थोड़ी सी चिंतित रह सकते हैं। और इस महीने ज्यादातर ग्रह आपके पक्ष में है, सफलता मिलेगी आपको, शरीर ज्यादातर अच्छा है, हर प्रकार से लाभ होगा। हम आपको बताते हैं कि इस महीने की कौन सी तारीखें हैं जो आपको फलदायक है। इस महीने की 1, 10, 17, 20 और 26, 27 और 29 सितंबर आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, अच्छी हैं। इन तारीखों को कोई भी बड़ा निर्णय अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, अच्छा है, लाभ होगा आपको। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा ओवरऑल महीना में स्वास्थ्य ज़्यादातर आपका ठीक रहेगा, बस लोहे से थोड़ा सा चोट या पेट से बचना चाहिए और नेत्र या पेट का ध्यान रखें। कैसा रहेगा व्यवसाय? व्यवसाय उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, कभी बहुत अच्छा तो कभी खराब। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा इस महीने में, पत्नी के थोड़ा सा स्वास्थ्य, थोड़ी सी शारीरिक पीड़ा, हड्डियों में दर्द हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। विद्या में भी इस महीने आपको सफलता मिलेगी, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लाभ होगा, अगर आपका संतान कोई परीक्षा दे रही है तो उसको भी लाभ होगा। उपाय क्या करें इस महीने में जो आपका बहुत अच्छा चले? इस महीने प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का प्रतिदिन पाठ करें, गाय को गुड़ रोटी संडे को खिलाएं तो अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी और हर मनोकामना आपका पूरी होगी। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल चंद्र राशि से हम बताते हैं, यह सार्वभौमिक होता है, सबका होता है, इसलिए अपनी राशि जानने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, जन्म स्थान दे करके हमारे संस्थान से संपर्क करिए। हमारे चैनल के नीचे दिए हुए नंबर हैं, उनसे संपर्क करके और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, आपको हर शंका का समाधान और उसका उपाय बताया जाएगा। आप इस महीने सात्विक रहिए, माता पिता की सेवा करिए, कोई एक वृक्ष लगाइए, सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए और सुबह जल्दी उठिए तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ
हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।